नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे BPSC TRE 3.0 री एग्जाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 मार्च 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा रद्द को लेकर क्या अपडेट है, क्या परीक्षा की नई तारीख आएगी या दोस्तों जो पेपर हुआ है वही फाइनल है, ठीक है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्या अपडेट आई पहले उसको देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने EOU से पेपर लीक के मांगे ठोस सबूत। जी हाँ दोस्तों, मतलब अभी भी ठोस सबूत मांगे जा रहे हैं, जब तक ये नहीं मिलता है तब तक आपका पेपर रद्द नहीं किया जाएगा। और देखिए एक बात आपको बता दें, परीक्षा रद्द करना इतना आसान होता नहीं। देखिए ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण BPSC ने TRE 3 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है फिलहाल के लिए। अभी जो अपडेट चल रही है, हमको लगता है कि नए चेयरमैन साहब अपने इज्जत बचाने के चक्कर में परीक्षा रद्द नहीं करना चाह रहे, ठीक है। पेपर रद्द करना बहुत बड़ी बात होती है और फिर सवाल काफी उठेंगे और चुनाव का समय भी है। शिक्षा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायद शुरू हुई है। अपडेट प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से। भरोसा तोड़ रही है प्राइवेट प्रिंटिंग। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छपवाने में गवर्नमेंट प्रेस की हो रही है अनदेखी। व्यापम घोटाले का आरोपित भी वांटेड है। पेपर लीक सरकार वीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है। होता क्या है ना, पेपर लीक होने से ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मीडियम एवरेज छात्र हैं, जिनको लगता है कि भैया हमारी नौकरी अब की बार तो लगी जाएगी। 28,000 से ज़्यादा पद थे प्राथमिक में 1-5 में और लगभग 2 लाख या टोटल लगभग 4 लाख बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है ना। तो जरा अभी पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए 6-8 पेपर क्या होता है ना कि जो बच्चे आउट करा लेते हैं, जिनको मिल जाता है, अब तो भैया उनको सीधे जाकर सही विकल्प पर टिक ही करना है। अब जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन उनको आता रहेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में डाउट रहेगा, तो इस वजह से मेरिट में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक बात याद रखिएगा, ये दोस्तों टेट का एग्जाम नहीं है। यहाँ पर जो भी बच्चे सम्मिलित होते हैं BPSC एग्जाम में, वो सभी बच्चे या तो CTET परीक्षा पास करके आए हैं या तो दोस्तों वो बच्चे BTET बिहार टेट परीक्षा, ठीक है ना। तो अगर इन बच्चों को गलती से भी कोई पेपर मिलता है लीक वाला आउट वाला, तो ये बच्चे तुरंत कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर ये योग्यता पहले से है। मतलब पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं कि जिन बच्चों का टेट क्लियर है वो बच्चे पढ़ने में बहुत स्ट्रांग, ठीक है ना, समझ सकते हैं। जरा इसको देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 270 अभ्यर्थी हिरासत में, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मिली कामयाबी। जरा इस अपडेट को देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 में प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग से 270 से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि 14 और 15 मार्च को हजारीबाग में, ठीक है, कई स्थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान पता चला कि बिहार में कई स्थानों से लाए गए TRE 3 के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। बयान के मुताबिक 15 मार्च को परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को अपने अपने परीक्षा केंद्र के लिए सुबह करीब 3 बजे निकलना था। उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इसमें शामिल गिरोह के कुछ साथियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने कुछ दिन पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये TRE 3 के प्रश्न पत्र को लीक कराने के मास्टरमाइंड थे। पुलिस ने उनके पास से प्रश्न पत्र, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर व पेन ड्राइव बरामद किया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से अच्छी खासी रकम भी ली थी। प्रश्न पत्र के एवज में वसूली थी अच्छी खासी रकम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारा मामला है। अब भी पता नहीं क्या सबूत चाहिए BPSC को, जब सब कुछ यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है, जब पेपर लीक हुआ ही है। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इन बच्चों को गलत तरीके से हिरासत में लिया है या तो दूसरी कंडीशन है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। अगर लीक हुआ है तो तुरंत पेपर को रद्द करके एक परीक्षा की नई तारीख जारी कर देनी चाहिए, ठीक है ना। अब होता क्या है ना कि अगर 1% भी लीक हुआ है तो भाई आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया का जमाना है, कितना ही ज़्यादा वो वायरल हो जाएगा आप लोग ये जानते हैं। DLED BEd छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी यही मिल सकती है कि आपको एक बार फिर मौका मिल सकता है। देखिए जिन बच्चों की तैयारी लास्ट टाइम अभी जो 15 मार्च को आपने पेपर दिया है, अगर आपका पेपर ठीक से नहीं गया था तो आप अच्छी तैयारी में अब लग सकते हैं। पेपर का पैटर्न आप समझ गए होंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये अटेम्प्ट की बात थी कि 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा, तो बहुत से बच्चों का ये 3रा अटेम्प्ट भी था, ठीक है ना। और इस बार भी पेपर लीक तो मतलब आपका अटेम्प्ट भी खत्म होगा। देखिए जो अटेम्प्ट की बात है वो 5 जब किया जाएगा तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल जो न्यूज है उसके हिसाब से तो 3 ही है ना। देखिए दोस्तों किस तरह से एडिटिंग की गई, जो आपका एडमिट कार्ड था, ये दोस्तों एडमिट कार्ड का आपका सेकंड प्रश्न था,
अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे एडमिट कार्ड ना सिंगल ही करके दिया जाएगा, जो डबल डबल ये पेज में निकाला जाता है, आवश्यक निर्देश होते हैं या तो एक ही पेज में लिख दिया जाएगा या तो लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक निर्देश में बच्चों ने कैसे हेरा फेरी कर दी, देखिए यहाँ 3 नंबर पर सीधे पूरा आंसर छाप दिया गया, देख रही है यहाँ पर, देखिए क्या था, गजब का दिमाग लगाया गया दोस्तों, ये होते हैं ठीक है ना, माइंड देखिए इनका कैसे पेपर में नकल की जा सकती है, जितने नकल में दिमाग लगाया जाता है अगर उतनी मेहनत से पढ़ाई कर ली जाए तो अच्छा स्कोर है। लेकिन ठीक है, अच्छा खासा भाई इनको रकम मिलता है, पैसे वसूलने होते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर लीक का मामला ट्विटर पर भी हमारे यहाँ ट्रेंडिंग में था, देख सकते हैं ट्रेंडिंग इन इंडिया BPSC TRE 3 पेपर लीक। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, जब कोई चीज़ ट्रेंड करती है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, पूरा देश जानता है कि भैया बिहार में कोई पेपर हुआ है और वो लीक हुआ है और इसलिए वो ट्रेंड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए BPSC TRE 3 री एग्जाम को लेकर भी पोस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों फिलहाल जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक आपका पेपर रद्द नहीं हुआ है और उम्मीद है कि जल्द जल्द रद्द हो जाएगा, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों जरा यहाँ पर कहा, इसके बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने पर निर्णय, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में नहीं दिए गए हैं साक्ष्य। ठीक है, तो मतलब दोस्तों अभी तक जो यहाँ पर एविडेंस मिला है, इनको कहने का मतलब ये कि जो पेपर हमारा शुरू हुआ था इसे 15 तारीख को, पेपर शुरू होने के पहले कोई प्रूफ नहीं मिला है कि उससे पहले क्या पेपर आउट हुआ था या नहीं आउट हुआ था। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देखते हैं पूरी खबर। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 के प्रश्न पत्र लीक को लेकर अब आर्थिक अपराध इकाई EOU और बिहार लोक सेवा आयोग BPSC आमने सामने हो गए हैं। BPSC ने EOU से ठोस साक्ष्य एवं परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग की है, इसके बाद आयोग परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लेगा। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व EOU ने TRE 3.0 लीक होने के संदर्भ में आयोग को साक्ष्य सौंपा था। आयोग ने कहा है कि आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभार की ओर से 16 मार्च को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हजारीबाग से गिरफ्तार 266 अभ्यर्थियों सहित 270 लोगों को ठीक है बैटर जेल में भेज दिया गया है। इसमें 4 साइबर गैंग के सदस्य हैं, इसमें एक को पटना से गिरफ्तार किया गया था। BPSC ने कहा है कि कथित प्रश्न पत्र लीक के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर 15 मार्च की सुबह 5 बजे हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना 15 तारीख को दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। इसके पूर्व दोपहर 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से ठीक है देख सकते हैं आरंभ हो चुकी थी। कथित प्रश्न पत्र लीक के इस मामले का अनुसंधान EOU कर रही है। BPSC ने परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग उससे की है। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा के बाद आयोग 15 को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में निर्णय लेगा। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 266 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया था। इनमें पटना, गया, नवादा और जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी शामिल हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल अभी पेपर रद्द नहीं किया गया है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।